आतंकवादियों ने जो बुलेट सेना के ऊपर फायर किया ना, वो चाइना मेड स्टील बुलेट है। मतलब समझ रहे आप, मतलब यह गन बुलेट ना सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद सकती है, बल्कि यह स्टील और की जो चादर होती है उसे भी भेदने में पूरी तरह से सक्षम है, जैसे कि मिलिट्री वाहनों को। मतलब कि इस स्टील बुलेट से ना तो आप गाड़ी के अंदर बच सकते हैं और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट में। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास चीन में बनी स्टील बुलेट क्या कर रहे हैं, और यह स्टील बुलेट चीन में मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी कश्मीर के अंदर आतंकवादियों तक कैसे पहुंचे, और यह सब कुछ एक ऐसे समय में क्यों हो रहा है जब भारत में G20 की समिट हो रही है और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर भारत में मौजूद है और यहाँ पे लगातार आना जाना कर रहे हैं। क्या चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर एक साथ भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? करेंगे बात एक एक करके इन सब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी घर के अंदर लुटेरे हो तो उन्हें किसी न किसी तरीके से सीधा किया जा सकता है, लेकिन क्या हो जब पूरा का पूरा गांव ही लुटेरों का हो तो उसका क्या करें? आतंक परस्त पाकिस्तान की भी जो हालत है ना, वो इन दिनों यही है। आतंकिस्तान में इन दिनों आटे के लिए मारा मारे है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग नमक को एक एक पाव या फिर सूखी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इन दिनों कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, लेकिन IMF सहित सभी दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं और सभी ने उन्हें वापस खाली हाथ भेजा। मीडिया में खबर यहाँ तक थी कि IMF ने पाकिस्तान को लोन के बदले उनके एटॉमिक वेपन्स को गिरवी रखने तक की बात कह दी, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा कुत्ते के दुम, वो सीधा कहाँ होने वाला है? आजादी के बाद अगर पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के बजाय अपनी समृद्धि पर ध्यान दिया होता तो शायद उसकी स्थिति इतनी बदतर तो कभी नहीं होती है ना। भारत को बर्बाद करने के सपने के साथ पाकिस्तानियों ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, वही आतंकी इन दिनों पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए। एक तो दुनिया आज तक यह बात नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान के अंदर सरकारें कौन चलाता है, उनकी सेना, उनके आतंकी या फिर चुनी गई जो वहाँ की सरकारें हैं वो। क्योंकि अगर कभी चुनी गई सरकारें कोई अच्छी पहल करती है तो बीच में सेना टांग अड़ाती है, और अगर सेना कुछ अच्छे करने की सोचे तो वहाँ के आतंकी बीच में टांग अड़ाने से तनिक भी बात नहीं आती। कभी पाकिस्तानी सेना वहाँ के आतंकवादियों को संरक्षण देती है तो कभी कभी आतंकवादी वहाँ की चुनी गई सरकारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से बन रहे इस खिचड़ी से ना पूरी दुनिया हमेशा से कंफ्यूज रही। फिर पिछले ही दिनों पूरी दुनिया भर में अपना हाथ फैला चुके पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने का फैसला लिया, लेकिन फिर इस फैसले के पीछे क्या हुआ? अभी दो दिन पहले पाकिस्तान के पाले गए आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। आतंकवादियों द्वारा इस हमले का तरीका भी पुलवामा जैसा ही था। इस हमले के बाद भारत की खुफिया एजेंसी अपने काम पर लगी और इंटेलिजेंस इनपुट से इस बात का पता चलता कि इस हमले में 5-7 आतंकवादी शामिल हैं, जिनमें से आधे लोकल हैं तो आधा पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए। लेकिन तभी एक आतंकवादी संगठन सामने आता है और इस हमले की जिम्मेवारी लेता है। इस आतंकवादी संगठन का कुछ नया सा नाम है और कुछ अटपटा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन और उनके हुक्मरान भारत में ऑपरेट करते हैं। वैसे तो कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद पाकिस्तान, चीन और आतंकवादी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कश्मीर को अस्थिर करने के लिए चीन अपने हथियार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों तक पहुंचा रही है? और अगर ऐसा सही है तो यह सच में बहुत खतरनाक है। क्या पाकिस्तान का आका चीन इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है और इस साजिश में पाकिस्तान के साथ चीन भी अपने नापाक मंसूबों के साथ शामिल है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों चीन पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है ताकि यह आतंकवादी भारत को अंदर से अस्थिर कर सके? इस साल G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है और इस वक्त भारत में इसी की मीटिंग्स चल रही है। ऐसे में टूरिज्म को लेकर होने वाले G20 की एक मीटिंग को भारत सरकार कश्मीर के श्रीनगर में कराने का ऐलान करती है। कश्मीर धारा 370 हटने के बाद से ही पूरी तरह से बदल चुका है और यह एक बार फिर से उन्नति की एक अलग ही राह पर है और इस पर आगे भी बढ़ रहा है। दुनिया का जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए ना पूरी तरह से तैयार है और इसे लेकर के चीन और पाकिस्तान दोनों ही बेहद परेशान है और उनके होश उड़े हुए हैं। यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर G20 की यह मीटिंग कश्मीर में होती है तो इससे ना सिर्फ दुनिया को यह मैसेज आएगा कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि दुनिया कश्मीर में हो रहे इन बदलाव को ना सिर्फ अनुभव करेगी बल्कि इसके साथ साथ पूरी तरह से इसे अपनी नजरों से भी देखेगी। और इस वजह से पाकिस्तान को एक्सपोज होने का डर पूरी दुनिया में सताने लगा है और यही डर कुछ कुछ चीन को भी है। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के तहत POK में बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश कर रखा है। इसके साथ ही कश्मीर का एक हिस्सा चीन के पास भी है, जिसे चीन अक्साई चीन कहता है। चीन को भी इस बात का बखूबी पता है कि कश्मीर से 370 हटाने के बाद भारत का अगला कदम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाना होगा और इन एनी केस अगर भारत ने POK को वापस ला लिया
तो इससे ना सिर्फ चीन के पीओके में बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश, इनको इससे हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि अक्साई चीन को वापस लेने की दिशा में भारत इसके बाद अगला कदम बढ़ाएगा और तब भारत किसी भी कीमत पर अक्साई चीन को वापस लेकर ही रहेगा। ऐसे में चीन भारत को अलग अलग तरह से कई विवादों में उलझाए रखना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इसी क्रम में उसने कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को ना सिर्फ हथियार दिए, बल्कि अगर आने वाले दिनों में आपको यह सुनने को मिले कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को चीन ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क दुनिया के सामने इस बात को लेकर दिखावा पेश करते हैं कि कश्मीर में अब भी अशांति और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान इस बात को भली भांति जानता है और इन दो मुल्कों के घटिया चाल से हर वक्त भारत। अब आखिर में आपको क्या लगता है कि भारत के बढ़ते कद से सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान जैसे देश परेशान है? नहीं, दुनिया में मौजूद कोई भी सुपर पावर यह कभी नहीं चाहता कि उसे पछाड़कर कोई अन्य देश उससे आगे निकल जाए। और आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत ने जो किया है वह तेजी से उसे दुनिया के सुपर पावर की रेस में उसे कई गुना तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए यह बड़े सदमे से कम नहीं। और इस वजह से हमसे दुनिया के बड़े बड़े जो सुपर पावर है वो काफी ज्यादा डरे और परेशान दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान से चिड़े ऐसे देशों की लिस्ट ना पूरी दुनिया भर से बहुत लंबी है और जिसमें कई वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ऊपर है। भारत की खुली और दुनिया भर के सुपर पावर को ना परेशान करके रखा। ऐसे में भारत में भविष्य के लिए दुनिया भर में कई चुनौतियां हो सकती हैं और आने वाले दिनों में आपको यह देखने को कई तरह से मिलेगा। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और इसकी कामयाब कूटनीति पूरी दुनिया भर के कई देशों को परेशान करके रखा हुआ, क्योंकि इन सब की वजह से भारत के सामने किसी की एक नहीं चल रही। दुनिया भर के कई सुपर पावर आज भारत के सामने घुटनों पर। ऐसे में जाहिर है कि हिंदुस्तान का इस पूरी दुनिया में अपना बढ़ता दुनिया के कई मुल्क को रास नहीं आ रहा होगा और कई असामाजिक तत्व भारत को अस्थिर करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। भारतीय सेना इसके लिए इसका जवाब देने के लिए कई प्लान पर काम कर रही होगी और जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन G20 समिट होने के बाद। धन्यवाद। जय हिंद।